एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए, एक संख्या दिया हुआ है और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे पहले। लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या x है, माना कि दूसरी संख्या x है। अब देखिए प्रश्न से, -11/-14 -1/-1/2। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या को x मान लिए, तो रिजल्ट ये आना चाहिए गुणा कर। तो अब देखिए क्या होगा, x x को इधर ही रहने देंगे और ये 11/-14 जो गुणा में है इधर जाएगा, तो बायां से दायां में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भागा 11/-14। अब देखिए x बराबर -1/2, ये भागा जो है गुना में बदलेगा, तो ये 11/-14 को लिख देंगे -14/11, तो हो जाएगा 2 सते 14, कट गया। तो x बराबर आ जाएगा माइनस माइनस, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 7/11। तो यही हो गया उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि कह रहा है 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 9 का पहला 4/15 -5/-8, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो -8/5 को 5/-8 करके 4/15 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 3 15, 4 2 8, यहाँ पर हो गया 1/-6, यानी इसको लिख देंगे -1/6, इसका आंसर हो गया। जब भी माइनस नीचे रहे तो उसको हम लोग ऊपर करके लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुणा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको उल्टा करके लिखना है और इससे गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/-3, 2/-3 -9/11। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9, हो गया 6/-11, इसका आंसर हो गया। इसको भी अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं -6/11। 9 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुणा कीजिए। ये दोनों को उल्टा करके गुणा करने कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -11/4 -16/33, चार चौक 16, 11 3 33, ये हो जाएगा -4/3, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन है -8/9 डिवाइडेड बाई बॉक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स को यहीं पे रहने देंगे और -1 के साथ ये भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा, यानी -8/9, यानी ये बायां में है तो ये दायां में जाएगा, दायां तरफ,
तो ये गुना में हो जाएगा -8/9। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे तो डब्बा में जो होगा वो क्या होगा, 8/9 इसका आंसर। ठीक है, अब 10 का सेकेंड का क्वेश्चन है, डब्बा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -1/7। तो यहाँ पे देखिए डब्बा को यहीं पे रहने देंगे और 5 कहाँ चला जाएगा, इधर गुना में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 5 × -1 -5/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।